हेलो एवरीवन, वेलकम टू मामी डॉटर कुकिंग चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यमी यमी सा कॉर्नफ्लोर का चॉकलेट कस्टर्ड। तो चलिए रेसिपी को पूरा जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और अपना रिव्यू शेयर करना हमारे साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर हमने एक छोटा सा कटोरी लिया है, इसमें हम बड़े टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर लेंगे। कोई कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब हम सेम कटोरे में छोटे टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून लेंगे कोको पाउडर। और अब हम सेम कटोरे में ले लेंगे चीनी। तो यहाँ पे बड़े टेबलस्पून से फिर से हमने 3 बड़ा टेबलस्पून चीनी लिया। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम बाद में फिर से डालेंगे, फ़िलहाल 3 टेबलस्पून काफ़ी है। थोड़े से हमने यहाँ पे काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अब दूध ले लिया है यहाँ पे, हमारा ये दूध का ही बर्तन था तो इसी बर्तन में हम बना लेंगे। ये 1/2 लीटर दूध है। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहे तभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर का पाउडर था उसको हम डाल के मिला लेंगे। गरम दूध में इसको नहीं डालना है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉर्नफ्लोर को डाल के नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर है वो भी अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब जो हमने कोको पाउडर लिया था उसको भी हमें ऐसे ही डाल लेना है और दूध में मिला लेना है। गर्म दूध में नहीं डालना बिल्कुल भी, अच्छे से मिला लेना है इनको। तो यहाँ पे जो कोको पाउडर था वो भी मिल गया है। चलिए अब हम कस्टर्ड को बनाने के लिए बर्तन को गैस में चढ़ा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम में कंटिन्यूसली इनको इसको हिला हिला के हम पकाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी गाइस, वरना ये जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। तो केयरफुल रहिए। जैसे ही दूध थोड़ा गर्म होता है इसमें चीनी डाल देंगे और इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला के बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कस्टर्ड ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है, ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इसको हम अब उतार लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं पहले और इसको उतार लेते हैं। अब हम एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे, ये फ़िलहाल तो गर्म है। जैसे ये थोड़ा गुनगुना सा होता है हम इसको फ्रीज में रख के फ्रीजिंग करके भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट से ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं इसको। अगर आप लोग को ठंडा पसंद नहीं है तो आप लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले में भी खा सकते हो। यहाँ पे हमारा चॉकलेट कस्टर्ड बनके रेडी है कॉर्नफ्लोर वाला। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। टेस्ट में कुछ भी ख़राब नहीं है, बस फ्लेवर अलग हो जाएगा। ये चॉकलेट और जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो वेनिला फ्लेवर्ड होता है। अगर आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।